तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी के इंपॉर्टेंट नगर और उन नगरों के उपनाम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है उसमें कह रहा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर घाटों व मंदिरों की नगरी कही जाती है? ठीक है, किसको घाटों और नगरों का मंदिरों की नगरी कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी है इसको हम क्या कहते हैं? घाटों व मंदिरों की नगरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर समझना है कि काशी विश्वनाथ का मंदिर पूछा जाता कहां पर है, तो याद रखेंगे काशी विश्वनाथ का मंदिर यहीं पर है। कहां? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ का मंदिर। इतनी बात समझ गए? ठीक, मणिकर्णिका घाट कहां पर है? मणिकर्णिका घाट भी यही है। ठीक है, मणिकर्णिका घाट कहाँ है? तो मणिकर्णिका घाट भी यहीं पर है। मणिकर्णिका किसका नाम था? ठीक है, किसका नाम था? झांसी की जो रानी थी जिनको हम रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानते हैं, झांसी की रानी, झांसी की रानी का नाम था। ठीक है, अच्छा उनकी जन्मस्थली भी कहाँ है? उनकी जन्मस्थली भी यही है। ठीक है, काशी में ही उनका जन्म हुआ था। इन चीजों को भी याद रखेंगे। ठीक है, आगरा को किस उपनाम से जाना जाता है? इसको हम ताज नगरी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ताजमहल है, ताज नगरी कहते हैं। और क्या कहते हैं? और हम यहाँ इसको पेठा नगरी भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर पेठा भी बहुत ज्यादा यहाँ का प्रसिद्ध है। ठीक है, गोरखपुर को क्या कहते हैं? नाथ नगरी कहते हैं। क्या? नाथ नगरी कहते हैं। ठीक है, अलाहाबाद, अलाहाबाद का नाम जो है या चेंज हो गया, क्या हो गया है? प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज कहते हैं। ठीक है, प्रयागराज हो गया है। ठीक है, तो प्रयागराज जो है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम संगम नगरी के नाम से जानते हैं। क्या? संगम नगरी के नाम से जानते हैं। बोलते हैं संगम कहाँ है? संगम कहाँ है भाई? गंगा यमुना का संगम कहाँ होता है? अलाहाबाद में होता है। ठीक है, कुंभ नगरी के नाम से जानते हैं। याद रखने वाली चीजें हैं, नोट कर लीजिए, कुंभ नगरी के नाम से भी जानते हैं, कुंभ नगरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दूसरी चीज है इसी को हम लोग ईश्वर का निवास स्थान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईश्वर का निवास स्थान, ईश्वर का निवास स्थान कहते हैं। ठीक है, ईश्वर का निवास स्थान भी किसी को कहते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चीज इसको और क्या कहते हैं? और हम इसको ये भी कहते हैं कि ये तीर्थ राज है। क्या है? तीर्थ राज भी कहते हैं। ठीक है, तीर्थ राज भी इसी को कहा जाता है, प्रयागराज को। ठीक है, अच्छा एक और चीज इंपॉर्टेंट है, अमरूद नगरी किसे कहते हैं? ठीक है, तो अमरूद नगरी भी इसी को कहते हैं। ठीक है, अमरूद नगरी भी किसे कहते हैं? अमरूद नगरी भी हम प्रयागराज यानी अलाहाबाद को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्धों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सारनाथ प्रदेश किस नगर के निकट स्थित है? यानी जो सारनाथ है वो किस नगर के निकट स्थित है? तो याद रखेंगे वाराणसी नगर के निकट यह स्थित है। सारनाथ किसका जो है प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो बौद्ध धर्म के लोगों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। आपको पता है पहला उपदेश किसने दिया था यहाँ पर? किसने दिया था बताइए? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध जी ने। ठीक है, गौतम बुद्ध जी ने यहाँ पर अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, अपना पहला उपदेश यहीं पर दिया था, सारनाथ में। ठीक है, अच्छा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय जो चिन्ह है, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, ठीक, जिसमें शेर बने हुए हैं, वो भी कहां लिया गया है? अशोक स्तंभ। वो अशोक स्तंभ कहां? सारनाथ में ही स्थित था। ठीक है, कहां है स्तंभ है जो है, कहां स्थित है? वो भी सारनाथ में ही स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम उत्तर प्रदेश के किस नगर में
स्थित है। ठीक है, तो रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है वो उत्तर प्रदेश के बिठूर में स्थित है, और ये जो बिठूर है आप देख रहे हैं वो कानपुर के आसपास है। कहां पर? कानपुर के आसपास है। ठीक है, कानपुर के आसपास है, समझ रहे, कानपुर के आसपास है। इसलिए पूछता है 1857 की क्रांति में बिठूर से किसने किया था, इस टाइप से पूछा, बिठूर से नेतृत्व किसने किया था। अच्छा एक चीज और बताएं, महर्षि जो वाल्मीकि थे, ठीक है, इनका असली नाम क्या था, इनका असली नाम क्या था पूछा जा सकता है, तो इनका असली नाम था रत्नाकर। ठीक है, असली नाम क्या था, रत्नाकर था। ठीक है, इनका असली नाम रत्नाकर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास को समर्पित तुलसीदास मानस मंदिर, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है, तो ये वाराणसी में ही स्थित है। आपको बताया वाराणसी जो है मंदिरों और घाटों की नगरी कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में देवी संग बुंदेला ने कौन सा मंदिर बनवाया था। ठीक है, तो देवी सिंह बुंदेला ने कहां पर, ललितपुर में दो मंदिर बनवाए थे, एक तो नरसिंह मंदिर बनवाया था और एक देवगढ़ का किला बनवाया था। ठीक है, तो दो मंदिर देव सिंह बुंदेला ने बनवाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्वारिकाधीश का प्रसिद्ध मंदिर उत्तर प्रदेश के किस नगर में है। ठीक है, द्वारिकाधीश आप समझ रहे हैं, द्वारिकाधीश की जब बात होती है तो क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है। किसकी? भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है, और ये मथुरा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जे के मंदिर उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है। ठीक है, नगर में स्थित है, यहाँ पर ये थोड़ा सा मे है, ठीक है, में स्थित है, तो ये कानपुर में स्थित है। कहां पर? कानपुर में, जे के याद रखेंगे, के से कानपुर। ठीक है, बस याद रखने के लिए, अदरवाइज इसको माइंड मत करिए, बस याद रखने के तरीके हैं, कानपुर। ठीक है, कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध मंदिर राधा स्वामी मंदिर किस नगर में स्थित है, तो राधा स्वामी मंदिर याद रखेंगे कहाँ, आगरा में स्थित है। अच्छा आगरा में और क्या स्थित है, ताजमहल स्थित है। ठीक है, ताजमहल स्थित है। ठीक है, ताजमहल किसका, मुगल का। ठीक, कहते हैं कि मुगल के जो शासक था, ठीक है, शाहजहां, ठीक, उसने अपनी पत्नी की याद में बनवाया था। ठीक है, और राधा स्वामी मंदिर, ठीक है, राधा कौन थी, भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका थी। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका थी। ठीक है, तो ये भी प्रेम का प्रतीक है, तो याद रखेंगे प्रेम के प्रतीक कहाँ मिल रहे हैं हमारे हिंदुओं के, वो कहाँ मिलेंगे, वो आगरा में मिलेंगे। ठीक है, आगरा में प्रेम जो है, प्रेम के प्रतीक मुस्लिमों मुगलों के भी हैं, और भगवान श्री कृष्ण का भी राधा स्वामी मंदिर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अलोपी मंदिर, अलोपी देवी का मंदिर, ठीक है, किस जिले में है, तो ये प्रयागराज जिले में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता का मंदिर बना हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, भारत माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो वाराणसी में ये मंदिर स्थित है। ठीक है, वाराणसी में इस मंदिर को स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध चंद्रिका देवी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, प्रसिद्ध चंद्रिका देवी मंदिर। ठीक है, तो लखनऊ में ये चंद्रिका देवी मंदिर स्थित है, और लखनऊ को क्या कहते हैं, नवाबों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? नवाबों का शहर कहते हैं, याद रखेंगे, पूछा जाता है नवाबों का शहर, नवाबों का शहर कहते हैं। ठीक है, और यहाँ का चिकन, और चिकन क्या है, कढ़ाई है एक। ठीक है, क्या है, चिकन कारी। ठीक है, चिकन कारी प्रसिद्ध है। ठीक है, चिकनकारी यहाँ की प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अवंतिका देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है उत्तर प्रदेश में, तो ये बुलंद शहर में स्थित है, बुलंद शहर में स्थित है। यहाँ नरौरा एक जगह है बुलंद शहर में, नरौरा। ठीक है, नरौरा वहां पर क्या है, परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है, परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया है नरौरा का में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु बिजली घर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध सरस्वती देवी का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है, मेरठ में स्थापित किया गया है। ठीक है, मेरठ खेल के सामानों के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध
प्रसिद्ध है, ठीक है। इसको कैंची नगरी भी कहते हैं, यहाँ पर कैंची, यहाँ की बहुत ज्यादा कैंची प्रसिद्ध है, कैंची उद्योग यहाँ का काफी प्रसिद्ध है, खेल के सामान भी काफी प्रसिद्ध है, और इसको क्रांति नगरी भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों कहते हैं ये भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। क्रांति नगरी इसलिए कहते हैं, क्रांति नगर भी कहते हैं इसको, क्योंकि यहीं से 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस नगर में मुगल शासक अकबर की रानी, ठीक, राजपूत रानी मरियम की दरगाह है। रानी मरियम जो है, इसकी राजपूत रानी थी, इसकी दरगाह कहाँ है? आगरा में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आगरा के किले में मुगल शासक शाहजहां द्वारा निर्मित मस्जिद किस नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो इसको मोती मस्जिद के नाम से जाना जाता है, ठीक है, मोती मस्जिद के नाम से जाना जाता है, इसको शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पर है? ये इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। शेख सलीम चिश्ती की उत्तर प्रदेश में जो दरगाह है वो फतेहपुर सीकरी में है। इस फतेहपुर सीकरी नगर को किसने? अकबर ने बसाया था। किसने? अकबर ने, ठीक है, अकबर ने बसाया था, ठीक है, अकबर ने बसाया था। और एक बार क्या हुआ था, अकबर यहां पर अपनी राजधानी भी स्थापित की थी, लेकिन सूखे के कारण वो वापस लाना पड़ा। जौनपुर में स्थित झांझरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है, तो ये इब्राहिम शारकी ने करवाया था झांझरी मस्जिद का निर्माण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाले मियां की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? बाले मियां की जो दरगाह है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है, ठीक है। मेरठ के बारे में हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूफी संत अलाउद्दीन साबिर की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो ये कलियर में स्थित है, उत्तर प्रदेश के कलियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूफी संत सैयद अब्दुल रजक की दरगाह कहां पर है? ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बासा बाराबंकी में ये दरगाह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संत हजरत सुल्तान अरफीन की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो बदायूं में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फकीर सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो वो बहराइच में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सूफी संत हाजी बारिश अली शाह की मजार स्थित है, ठीक है, तो देवा में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के देवा नामक जगह पर ये स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश संत सैयद महमूद शाह अशरफ जहांगीर की दरगाह, ठीक है, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है? तो किछौछा जो है एक जगह है अंबेडकर नगर के अंदर, यहां पर इनकी दरगाह स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुगल शासक अकबर द्वारा निर्मित अनेक छतरियों वाली प्रसिद्ध जामा मस्जिद, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, औरंगजेब के गवर्नर बहराम खां द्वारा बनाई गई चुनार मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? तो वो मिर्जापुर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शर्की सुल्तान जौनपुर में निर्मित सर्वश्रेष्ठ मस्जिद कौन सी है, ठीक है, तो ये अटाला मस्जिद है, ठीक है, अटाला मस्जिद है, ठीक है। बताते हैं कि यहाँ पर एक अटाला देवी का मंदिर था। किसका? अटाला देवी का मंदिर था, जिसको तोड़कर, अटाला देवी का मंदिर था जिसको तोड़कर यह मस्जिद बनाई गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसने सितार का आविष्कार किया? तो याद रखेंगे, सितार और तबला इन दोनों का जो है आविष्कार अमीर खुसरो ने किया है। किसने? अमीर खुसरो ने किया है इसका, ठीक है। अब सितार का मतलब क्या होता है, अगर मतलब पूछ ले, ठीक है, ठीक, मतलब अगर पूछ ले तो इसका मतलब होता है तीन तार, तीन तार। तो याद रखेंगे, सितार में जब इसका आविष्कार हुआ था तो तार कितने थे? वो तीन थे, पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जौनपुर की कहार जाति द्वारा
किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? ठीक है, तो चौरसिया नृत्य जो है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में कहार जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में आदिवासियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? ठीक है, तो ये कर्मा नृत्य जो है उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले में आदिवासियों द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी से हमारे बन सकते हैं ठीक आने वाले एग्जाम में। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।